नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज विशेष लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ है प्योर स्किल आईटी ट्रेडिंग एकेडमी की सीईओ एंड को फाउंडर वैशाली शाह जी। वैशाली जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। उनके साथ है अमित भाई ठाकुर, प्रोफेसर अमित ठाकुर जी, जो एक्स प्रिंसिपल भगवान महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज से है और एजुकेशन फील्ड में 47 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। अमित जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और उनके साथ है पीना ठक्कर जी, वो एक्जोटिक वेब मीडिया की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है और आज से जो हमारा लाइव जो ये प्रोग्राम है एजुकेशन गाइड का, वो आज से शुरू हो के 15 डेज तक चलने वाला है। उसका पूरा कोऑर्डिनेशन पीना ठक्कर जी कर रही है। तो पीना जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। अभी हम बात करेंगे प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी है उनके बारे में, थोड़ा सा हम उनके बारे में जानेंगे। वैशाली जी, मैं पहले जानना चाहूँगी कि प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका, वो क्या है? प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी एक ऐसा आईटी एजुकेशन करवाता है जिसके अंदर 10th 12th और स्कूल कॉलेजेस के अलग अलग फील्ड के सभी विद्यार्थी वहाँ पर आकर आईटी एजुकेशन कर सकते हैं जी। इसमें 10th फेल पास सभी लोग आ सकते हैं और एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको एजुकेशन के साथ साथ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है जी। इस कंपनी की स्थापना मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर ब्रजेश शाह ने 7 सितंबर 2014 में की थी। हेतु वही था कि ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज सिर्फ 1 महीने से लेकर 18 महीने के अलग अलग कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आपको ना सिर्फ आईटी का नॉलेज मिलता है बट उसके साथ साथ आपको प्लेसमेंट भी 100% हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है। आज के जो जनरेशन में आज की जो मतलब स्टूडेंट्स की ज़रूरत बोल सकते हैं उसको, कि जॉब के लिए उनको बहुत ही मतलब तकलीफ होती है, बहुत ही जगह पे उनको जाना पड़ता है फिर भी जॉब फिक्स नहीं होती है, तो ऐसी संस्था जो है प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी जो ट्रेनिंग भी देती है और साथ में जॉब भी आपको दिलवाती है, तो ज़रूर से आप ये प्योर स्किल्स का संपर्क कीजिएगा। और हम बात करेंगे अभी ये प्योर स्किल के बारे में, तो हमने जाना, लेकिन प्योर स्किल कुछ और भी नया लेके आ रही है इस साल और सूरत में शायद ये पहली बार होने जा रहा है आईटी टेक वॉर 2020। तो ये क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैशाली जी, पहले बताइए कि ये आईटी का जो टेक वॉर जो एक्सपो करने जा रहे हैं आप, शायद इसी मंथ में है, तो उसी के लिए थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को जी। आईटी टेक वॉर 2K20 ये इवेंट का नाम है और ये 8 फैब साइंस सेंटर के अंदर हो रहा है। हर साल हम ये इवेंट अपने सेंटर पे ही करते हैं बट इस साल हम लोगों ने ये इवेंट साइंस सेंटर पे रखा है जी। इसका मेन इंटेंशन वही है कि हमारे बच्चे जो प्योर स्किल में पढ़ते हैं उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले वहाँ वो कॉमन पब्लिक के सामने अपने को रिप्रेजेंट कर सके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कॉलेज के बहुत सारे सूरत के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करवाया है, जिससे उन वो स्टूडेंट्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो कॉमन पब्लिक के सामने आईटी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकें जी। तो ये तो प्रोजेक्ट की बात हुई, स्टूडेंट्स की बात हुई, लेकिन आईटी टेक वॉर का करने के लिए आपको विचार कैसा आया? मतलब एक्चुअली में मैम, हर बार हम लोग आईटी का इवेंट हमारे सेंटर पे करते ही है जी, बट इतनी पब्लिक वहाँ पे आती है देखने के लिए, कॉमन स्टूडेंट्स कॉलेजेस के बच्चे इतने आ जाते हैं कि हम लोग वहाँ पे इतना ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, इतना मैनेज नहीं हो पाता है हमारा जी। तो इस बार सोचा कि अगर हमारे बच्चे इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स अगर कर रहे हैं तो ना केवल हमारे ही इंस्टीट्यूट के पेरेंट्स देखें बट कॉमन पब्लिक, मतलब सूरत का हर एक कोई जो आईटी में इंटरेस्ट जिसको इंटरेस्ट है वो लोग भी वहाँ पर आकर ओपन स्पेस में देख पाए, इसलिए इस बार हम लोगों ने साइंस सेंटर को चुना है जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, क्योंकि आपने हमारे सूरत के नहीं पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स के बारे में इतना अच्छा सोचा है कि आईटी टेक वॉर करने जा रहे हैं आप, तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको कि आपका ये इवेंट जो है पूरा वो सक्सेस रहे, हर साल आप ऐसी इवेंट करती रहे। अब बात करेंगे हम अमित जी से। अमित जी, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को इसमें मतलब इस फेयर में आके क्या फायदा होगा वो आप बताइए सर। ये आपने बहुत अच्छा
प्रश्न पूछा है कि आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ये बच्चे सब पढ़ते रहते हैं, मगर आज के ज़माने में खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करती या तो कंप्यूटर साइंस की जो यूजेस है वो यूज़ के ऊपर भी एक नया चैप्टर, एक नया एजुकेशन का एक फील्ड खुल गया है, वो है हेप्टोलॉजी। वो हेप्टोलॉजी में साइबर हैकिंग है, साइबर क्राइम है, देन सब वो क्लाउड सिस्टम है, एथिकल हैकिंग है, ये सब चीज़ें हैं कि जो अभी के ज़माने में हमारे ये टाइम में पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम से दुनिया जूझ रही है कि हर एक की चीज़ या तो हर एक की फाइल हैक हो जाती है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, मोबाइल से भी हैकिंग हो जाता है। तो ये हैकिंग कैसे होता है, किस तरह से होता है, अगर हम लोग जान ले या तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सब ये सबको सिखा दे या तो दिखा दे, तो हो सकता है कि सब स्टूडेंट्स ही नहीं सब आदमी इससे अवेयर हो जाएगा कि भाई मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे सेफ हो सकता है, मेरा एटीएम कार्ड कैसे सेफ हो सकता है। तो ये हैकिंग के बारे में जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इसमें, और वो प्रोजेक्ट्स अभी इन लोगों आई टी प्योर स्किल्स के बच्चों ने जो बनाए हैं, और उसके अलावा दूसरी कॉलेज से भी बच्चों ने अपना अपना प्रोजेक्ट्स बनाया है, वो प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और वो सब प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन इतना अच्छी तरह से होने वाला है कि जिसको देखकर बाकी सब दुनिया है, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी है, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, खाली इंजीनियरिंग कंप्यूटर के नहीं, मगर बाकी स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं डैम श्योर तक कह सकता हूँ। और ये चीज़ ये हमारे सूरत में एक शिरमोर बन के रह जाएगी, ये पूरा प्रोग्राम है ऐसा बनाया है। तो मैं सूरत के लोगों से, सूरत के स्टूडेंट्स के लोग स्टूडेंट्स को इतना प्यार से इनवाइट करता हूँ कि आप आओ और देखें कि हमारे बच्चों ने किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया है, ये इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या सिखाते हैं। और दूसरी बात, ये हैकिंग और साइबर क्राइम सीख के जो बच्चे जो सीखते हैं तो उसका जो सीवी बनता है, उसका जो डिटेल इसका इंफॉर्मेशन जो उसका सिलेबस के आई मीन क्वालिफिकेशंस की बनती है, अगर वो क्वालिफिकेशंस में साइबर एक्सपर्ट या तो एथिकल हैकिंग ये सब चीज़ के अगर आपको ब्रिटेन में जाना है या तो यूएस में जाना है, तो वो आपको ग्रीन कार्ड में या तो वीज़ा में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप ये एंटी हैकिंग जानते हैं, हैकिंग्स के जानते हैं, साइबर सेफ्टी में पूरा डिटेल उन लोगों ने सीख लिया है, एथिकल हैकिंग अगर आप जानते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको विदेश में जाने के लिए भी वो प्रायोरिटी आपको देगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अब क्योंकि अभी दुनिया इसकी दीवानी है, दुनिया को इसकी ज़रूरत है। हैकिंग और एंटी हैकिंग और साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम से पूरी दुनिया जूझ रही है, इसमें अमेरिका देश भी बाकात नहीं है। तो अमेरिका वालों को भी ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो ऐसे एक्सपर्ट्स हमारी इंस्टीट्यूट तैयार करती है, और वो तैयार करती है और उन बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इसके अलावा ये सब्जेक्ट्स पे दूसरी कॉलेजों के लड़कों ने भी जो प्रोजेक्ट्स बनाए ये अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे तो दुनिया बहुत कुछ सीख जाएगी इससे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। जी बहुत ही अच्छी बात है अमित भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ये आईटी टेक वर्ल्ड जो एक्सपो होने जा रहा है उसी में क्या होगा और कौन से बच्चे मतलब यहाँ पे आएंगे, क्या सीखेंगे। हाँ। लेकिन मुझे एक प्रश्न ये हो रहा है सर कि आप भी दे सकती हो उसका आंसर अगर सही है तो, कि साइबर क्राइम जो भी हो रहा है, जो मतलब बहुत सारे लोगों को जो दिक्कतें आ रही है, लेकिन कई जगह पे ऐसा भी होगा मिसयूज होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि जो सीखता है वो ही शायद मिसयूज करे, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन था, तो इसके बारे में सर बताइए। इसमें मैं एक चीज इतना कह सकता हूँ कि जो जानता है वो ज्यादा प्रिकॉशंस रखता है। जो चोर है वो जानते हैं कि चोरी के कौन से तरीके हैं, तो उसकी चीजें और कोई ले न जाए, उसके लिए वो कैसे चौकीदारी का सिस्टम डेवलप करता है,
इसमें ये चीज है कि हमारी चीज और कोई ले ना जाए, हमारी इंफॉर्मेशन और कोई ना ले जाए, किसी के पास ना जाए, और अगर किसी के पास गई भी तो वो गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके, वो सब सिखाने के लिए ये आईटी टेक वॉर है। हमारी इंस्टीट्यूट में हम ऐसे हैकर्स तैयार करते हैं जो एक्चुअल में ये सब साइबर फ्रॉड को रोकने का काम करते हैं। जी ठीक है। कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो बाहर निकल कर वेबसाइट है, अकाउंट्स है, वो सब हैक करते हैं। बट इसके पहले जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स जब स्टार्ट करते हैं ना, तब हम स्टूडेंट के पास से साइन अप लेते हैं कि आप जो भी हम आपको सिखा रहे हैं आप उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। जी बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगी पीना जी से। पीना जी, आप भी ये आईटी टेकओवर के साथ जुड़ी हुई है, मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो करवा ही लिया है, लेकिन प्योर स्किल के साथ और आईटी टेकओवर के साथ आप जुड़ी है, तो उनमें कौन से स्टूडेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट करेंगे, कौन आएगा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार दर्शक मित्रों, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि प्योर स्किल जो आईटी टेकओवर कर रहा है उसमें सूरत शहर की तमाम स्कूलों के स्टूडेंट्स जो 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं उन सबको हमने इन्वाइट किया है, साथ में ही सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट जो आईटी फील्ड के हैं। और हम बहुत बार ये बता रहे हैं आपको कि आईटी फील्ड सिर्फ आर्ट्स मतलब कोई एक फील्ड के लिए नहीं है, उसमें आप आर्ट्स कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, कोई भी फील्ड से हो वो आईटी सीख सकता है और यहाँ पे विजिट कर सकता है। साथ में यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि ये नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पेरेंट्स को भी इन्वाइट करते हैं, हाउसवाइफ को भी बुलाना चाहेंगे कि एक बार आइए, दुनिया कितनी आगे है, जिस डिजिटल चीज को आप अपने हाथ में रोज सुबह से लेकर रात तक रखते हो उसके कितने ऐप्स हैं, वो कहाँ आपको और भी उपयुक्त है, मतलब उसका यूज आप कहाँ कर सकते हो, उसके कितने फायदे कितने नुकसान, ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे हम सारे स्कूल्स कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इन्वाइट करते हैं कि आप एक बार जरूर से यहाँ पे विजिट कीजिए। डिग्री के साथ में हम बहुत बार ये बताते हैं कि एक डिग्री है लेकिन डिग्री के बाद में इस तरह के स्किल कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, मैम ने पहले बताया कि यहाँ पे एक महीने से लेके एक साल तक या उससे भी ज़्यादा के कोर्सेज होते हैं। तो इस युग में नॉट ओनली यू हैव द डिग्री एट द ग्रेजुएशन डबल ग्रेजुएशन बट यू हैव अ स्किल कोर्स स्किल सर्टिफिकेट, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू योर लाइफ। दैट्स वाई हम सभी स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, शहर के सारे पेरेंट्स सारे प्रिंसिपल्स और स्कूल्स के सभी को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहेंगे। साथ में यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट हमारे प्योर स्किल के स्टूडेंट्स रख रहे हैं, अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स रख रहे हैं, उनका ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम से हमने किया है, तो जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे हमारे प्रोजेक्ट देखेंगे और उसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं कि ये कितना उपयुक्त है और अपने वोटिंग दे सकते हैं। हमारा एक ऐसा भी प्लान है, तो हम चाहेंगे कि सूरत में इस तरह से हो रहा जो फेयर है उसका विजिट सभी को करना चाहिए जो रिलेटेड है आईटी से और जो रिलेटेड है एजुकेशन। अच्छा, उसमें पीना जी ने कहा, उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, सब बच्चों ने जो प्रोजेक्ट शेयर किया है उसके लिए हमारी तरफ से और कोई जज नहीं है जी। वो प्रोजेक्ट को जज करने के लिए जो आ रहे हैं वो सब आप लोग आ रहे हैं जी, जी। आप जैसे कई स्टूडेंट्स वो आएंगे, देखेंगे कौन सी चीज बढ़िया है और कौन सी चीज क्या है कैसी है, उसका ग्रेडेशन आप तय करेंगे, उसके हिसाब से आप मार्क्स रखेंगे और आपके जो वोटिंग आपके जो मार्क्स हमारे पास आएंगे यू टू वॉट इट, तो वो उस पर से जो रिजल्ट शीट तैयार होगी उसमें से हम ये इस एग्जीबिशन के पूरे विनर्स डिक्लेयर करेंगे कि किसने किसने मैक्सिमम वोट जीते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज है कि हमारी तरफ से और कोई जज नहीं है, हमारी तरफ से आप लोग सब जज है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं वैशाली मैम आपको पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स विजिट करेंगे उनको फायदा क्या रहेगा? यहाँ पे यामिनी मैम, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो कोई भी फील्ड का हो सकता है, चाहे वो 10th 12th का हो या बीकॉम या बीसीए बीएससी आईटी व्हाटएवर, जो भी वो पढ़ रहा है वो अपने एजुकेशन उनका ख़त्म भी हो चुका है या वो रनिंग कॉलेज भी कर रहा है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आके विजिट कर सकता है। फ़ायदा ये है कि हम लोग देखते हैं कि डायमंड में मंदी आती है, टेक्सटाइल में मंदी आती है, बट आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आती है, तो ये कोर्स हर एक कोई स्टूडेंट कर सकता है बराबर। तो
इसलिए इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड के, उन सभी लोगों को फायदा रहेगा। उन लोगों को, सभी लोगों को ये भी देखने को मिला कि छोटी छोटी अवेयरनेस हम रखें तो हम कैसे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो दर्शक मित्र, मैं वापस आपको बता दूं कि हमारे साथ जो जुड़े थे आज, वो थे प्योर स्किल आईटी ट्रेनिंग एकेडमी से वैशाली शाह, जो सीईओ एंड को फाउंडर है, मेरे साथ है वो। उनके बाजू में जो है अभी प्रोफेसर अमित ठाकुर जी, जो एक्स प्रिंसिपल भगवान महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज से है। एजुकेशन फील्ड के वो 47 ईयर्स के एक्सपीरियंस पर्सन है। और उनके साथ जो है पीना ठक्कर जी। हम आज आईटी टेक वर के बारे में हमने जानकारी दी कि ये एक्सपो फेयर पहली बार सूरत में आ रहा है और 8 फरवरी को सुबह 10 से रात को 10 बजे तक ये फेयर रहेगा सूरत के साइंस सिटी सेंटर में। तो ज़रूर से सबको हम हमारे चैनल के माध्यम से इनवाइट करते हैं कि आप सब यहाँ पे विजिट करिएगा और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। आईटी रिलेटेड तो है ही, लेकिन जो एजुकेशन फील्ड में जो भी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता है, तो जरूर से इसकी विजिट करिएगा। जी अमित जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैशाली जी ने ये जो तैयार किया है सब चीज, तो उसमें खाली स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सब जो लोग हैं वो भी आएंगे और उस पर से जो मार्कशीट तैयार होगी और मार्कशीट के हिसाब से लोगों को इनवाइट भी करेंगे हम लोग कि भाई वो बच्चे अपने आप जिसने प्रोजेक्ट रखे हैं वो भी दूसरों को बताएंगे और अच्छी तरह से ये सबको दिखाएगी, सिखाएगी। और सबसे बढ़िया चीज है कि ये साइबर सेफ्टी का जो अभी जो प्रोसेस है, जो रोल है दुनिया में, वो सबसे सबसे बढ़िया तरीके से जाएगी आगे। जी, बहुत ही अच्छी बात है। वैशाली जी, लास्ट में मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ये आपके मन में जो आईटी का मतलब साइबर सेफ्टी वगैरह का जो विचार आया है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास है क्या इसमें? महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एक महिला है, आप ये खुद कर रही है, आई एम वेरी अप्रिशिएट कि एक महिला होके इतना सब कुछ हैंडल कर रही है, इतना सब कुछ मैनेज कर रही है, तो हमारे महिलाओं के लिए क्या है? जी, मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो हाउसवाइफ है या कोई भी लेडीज जो जॉब करती है, वो 24 आवर्स अपना मोबाइल यूज़ करती हैं। बहुत सारे अभी ऐसा ट्रेंड चला है कि हम लोग अपने जो व्हाट्सएप के जो पिक्स है या फेसबुक पे हम अपने फ़ोटो अलग अलग करके अपलोड करते हैं, बट एक्चुअल में क्या वो सेफ है कि नहीं? ठीक है, इसके अलावा हम लोग जनरली हम जब किसी को पेमेंट देते हैं या पेमेंट लेते हैं तो उसी में एक OTP जनरेट होता है, तो वो OTP किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत से छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए एवरी हाउसवाइफ को भी मैं इसमें बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ये मैं फिर से कहूँगी कि ये इवेंट हर किसी के लिए है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा बिग इवेंट है जो सूरत में पहली बार हो रहा है साइंस सेंटर में। 8 फेब, टाइम है 10 to 10। यहाँ पे बहुत सारे डिग्निटीज आएंगे जो प्रोग्राम का इनोग्रेट करेंगे, तो मैं आप फिर से आप सबको इस इवेंट में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपने ये वॉर शब्द किस क्या सोच के लगाया? जी, ये वॉर शब्द एक्चुअल में मेरे जो बच्चे हैं प्योर स्किल के बच्चे, वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट रखने वाले हैं और सामने हैं कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट जो ओनली सॉफ्टवेयर पे अपने प्रोजेक्ट रखते हैं। तो एक्चुअल में मैं अपने स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा वॉर करना चाहती हूँ कि दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सचमुच में आईटी का वॉर होगा, अटैक और डिफेंस, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो जरूर से सब विजिट कीजिए। जी, फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा मिली दर्शकों को। तो फिर से ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ कल भी डेली लाइव 8 बजे रहेगा कुछ ना कुछ एजुकेशन गाइड के ऊपर, तो जरूर से हमारे साथ बने रहिएगा। फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए और वेबसाइट की भी हमारी विजिट करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही कार्यक्रमों को लेके हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।